स्कूबा डाइविंग करने का अपना ही एक अलग मजा है। इसमें आप समुद्र के नीचे की दुनिया को देख सकते हैं और इसकी खोज कर सकते हैं। भारत में साहसिक खेलों की अधिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, पैरासेलिंग, राफ्टिंग, वीड राफ्टिंग आदि। भारत पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें कुछ अद्भुत स्कूबा डाइविंग जगह है जो लोकप्रिय हो रही है। पानी की विशाल दुनिया में शानदार दृश्यों को देखना और बहुत सारे दोस्ताना जीवों को देखने का अपना एक अलग मजा होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसको बाद में याद करने आपको अच्छा लगे, तो आपको जिंदगी में एक बार जरूर स्कूबा डाइविंग करना चाहिए। अगर आप घूमना पसंद करते हैं और नई चीजों की खोज करना आपकी रुचि है, तो स्कूबा डाइविंग से अच्छी चीज आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती। इस व्यस्त दुनिया से दूर होकर समुद्र की दुनिया को देख सकते हैं और कई आकर्षक चीजों की खोज कर सकते हैं। ऊपर से समुद्र को तो हम देख सकते हैं, लेकिन समुद्र को अंदर से देखना बहुत आकर्षक होता है। स्कूबा डाइविंग क्या है? स्कूबा डाइविंग पानी के नीचे डाइविंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें स्कूबा गोताखोर एक सेल्फ कॉन्टिनेंट अंडरवाटर ब्रीदिंग अपरेट्स के उपयोग से पानी के अंदर सांस लेता है, जिसकी मदद से पानी के अंदर सांस लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। स्कूबा डाइवर्स सांस लेने वाली गैस के अपने स्रोत से पानी में लेकर जाते हैं, जिससे वो सांस लेने वाले गोताखोर की अपेक्षा ज़्यादा देर तक पानी में रह सकते हैं। ओपन सर्किट स्कूबा सिस्टम सांस लेने वाली गैस को वातावरण से छोड़ने का काम करता है, क्योंकि इसे बाहर निकाला जाता है। इस सिस्टम में एक या एक से अधिक डाइविंग सिलेंडर होते हैं, जिसमें उच्च दबाव पर सांस लेने वाली गैस है, जो एक नियामक के माध्यम से गोताखोर को सांस लेने में आपूर्ति करता है। भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारे अद्भुत जल निकाय और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत शानदार और विशाल सीमाओं का देश है, जहाँ एक तरफ हमारे पास पश्चिम में महान रेगिस्तान है जहाँ शायद ही कभी बारिश होती है। दूसरी तरफ हमारे पास देश का उत्तम पूर्वी क्षेत्र है जहाँ साल भर बारिश होती है। उत्तर में हमारे पास शक्तिशाली हिमालय है, जबकि दक्षिण क्षेत्र पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है। परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति की तरह भारत में साहसिक खेलों की अधिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, पैरासेलिंग, राफ्टिंग, विंड राफ्टिंग आदि। भारत पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें कुछ अद्भुत स्कूबा डाइविंग जगह है जो लोकप्रिय हो रही है। अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं, तो भारत से अच्छा स्थान आपको और कहाँ मिलेगा? अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं, तो हम भारत में स्कूबा डाइविंग के सबसे अच्छे स्थानों के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्कूबा डाइविंग करने की सबसे अच्छी जगह। अंडमान और निकोबार एक अकेला द्वीप है जो क्रिस्टल नीले पानी और समुद्री जीवन के साथ हर किसी को आकर्षित करता है। यह जगह स्कूबा डाइविंग एडवेंचर का मुख्य आकर्षण है। अंडमान एक बहुत ही शांत जगह है जो आपको शहरी जीवन से दूर ले जाती है, और यहाँ आपको स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्री दुनिया का एक शानदार नजारा दिखाती है। अंडमान दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूबा डाइविंग के स्थानों को समेटे हुए है। स्कूबा डाइविंग करने जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर और मई के बीच होता है।
आंगरम लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग। लक्षद्वीप अरब सागर के शानदार स्थलों की पेशकश करते हुए विदेशी स्कूबा डाइविंग स्थलों के एक बहुत अधिक मांग वाला स्थान है। इस द्वीप के आसपास मूंगा चट्टान है और यह अपने शानदार और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप को शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग की मदद से आप पानी के नीचे की प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं। इस द्वीप को मालदीव और मॉरिशस जैसे लोकप्रिय समुद्र तट देश के बराबर माना जाता है। अगर आप स्कूबा डाइविंग का मजा लेना चाहते हैं तो लक्षद्वीप की यात्रा कर सकते हैं। लक्षद्वीप में 18 से 20 मीटर तक डाइविंग करने की इजाजत है और यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच है। नेत्रानी द्वीप कर्नाटक में स्कूबा डाइविंग। अरब सागर स्थित नेत्रानी आइलैंड स्क्रीन बा डाइविंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। नेत्रानी द्वीप जिसे पिजन आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यह जगह कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, लेकिन अगर आप वाटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ स्कूबा डाइविंग का पूरा मजा ले सकते हैं। यहाँ आप 10 से 26 मीटर तक पानी में देख सकते हैं। इसके बाद आपको पानी में दिखना बंद हो जाता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर और जनवरी के बीच होता है। ग्रैंड आइलैंड गोवा में स्कूबा डाइविंग। गोवा भारत के सबसे खास पर्यटक स्थलों में से एक है, लेकिन आपको बता दें कि यह जगह सिर्फ अपने समुद्र तटों के लिए ही नहीं बल्कि स्कूबा डाइविंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप समुद्र जीवन को देखकर इसका भरपूर मजा उठा सकते हैं। अगर आप समुद्र को और भी अधिक गहराई से देखना चाहते हैं तो ग्रैंड द्वीप आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। गोवा की यात्रा करना किसी भी स्कूबा डाइवर्स के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर मार्च महीना है। पोर्ट ब्लेयर में स्कूबा डाइविंग। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्कूबा डाइविंग के लिए अद्भुत स्थान है। बदूर में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जो समुद्री वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए रिजर्व है। यह जगह देश में अपनी तरह की एक खास जगह है जहां पर कुछ सबसे खूबसूरत समुद्री फूलों और लगभग 50 विभिन्न प्रकार के कोरल जैसे जेल फिश, तितली मछली, तोता मछली आदि को देख सकते हैं। अगर आप पोर्ट ब्लेयर में स्कूबा डाइविंग के लिए जाना चाहते हैं तो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक जाने का अच्छा समय है। कोवलम केरल में स्कूबा डाइविंग। कोवलम केरल में तिरुवनंतपुरम की दूरी पर स्थित एक समुद्र तट क्षेत्र है जो धीरे धीरे स्कूबा डाइविंग के लिए विकसित हो रहा है। इस जगह डाइविंग में इस्तेमाल होने वाले स्कूबा गियर की जगह ब्रांड पनडुब्बी का इस्तेमाल होता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्कूबा डाइविंग। विशाखापट्टनम को विजाग के नाम से जाना जाता है और यह आपको कुछ सुंदर मूंगे और अनोखी किस्म की मछलियां देता है। विशाखापट्टनम में स्कूबा डाइविंग से आप समुद्र में पनपने वाली परिस्थितियों की तंत्र की खोज कर सकते हैं। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग के लिए 15 मीटर से 25 मीटर तक गोताखोरी गहराई में जा सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जनवरी।